मैं स्टार्ट करना है आज अकाउंटिंग का बेसिक लेक्चर, मतलब अकाउंट्स में हम जो एंट्री करते हैं, राइट है ना, अकाउंट्स में जो एंट्री करते हैं, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल, हम ये दो लाइफ को अलग लेके चलते हैं। थियोरेटिकल है मतलब जब आपने 11 किया, 12 किया, 13 किया, 14 किया, डिवाइड किया, तब कैसा किया था, और अब जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जॉब पे जाते हैं वहां पे कैसे करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या समझना है, पहला अकाउंट्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो हमने सीखा था पहले उसको हम बोलते हैं कैश बेसिस, यानी कि अकाउंटिंग की जो एंट्रीज होती है हम किसे फॉलो करते हैं, कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब क्या, एंट्री करो, ठीक है, जितना पैसा आया पैसा गया, अपने एंट्री कर दो। हमने थियोरेटिकल सीखा था कॉलेज में, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वहां पे हम फॉलो करते हैं मर्केंटाइल बेसिस, राइट है ना। अब मर्केंटाइल बेसिस और कैश बेसिस में क्या फर्क है, पहले वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी ₹5,000, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से क्या खरीदा, 5,000, राइट है ना। हम मिस्टर ए हैं तो मिस्टर ए के अकाउंट में एंट्री करते हैं। मैं पहले कैश बेसिस बता रहा हूँ, कह रहे हैं एंट्री करते हैं। नॉर्मली हो क्या रहा है, हमने क्या खरीदा, गुड्स, यानी मेरे पास क्या आया, गुड्स। मैं बोलूंगा कि परचेस, मतलब परचेस लिख लो, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश गया, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेड इन कैश, ट्रेड इन कैश, यानी कि मेरे पास क्या आया, गुड्स आया, और मेरे पास से क्या चला गया, कैश। तो मैंने एंट्री कौन से बेसिस पे किया, कैश बेसिस पे। इसका मतलब हुआ ये कि कल को अगर मिस्टर बी मेरे पास आए और मुझे पूछे कि आपने मुझे ₹5,000 नहीं दिए हैं, राइट है ना, कल को वो बोल दे, तो मैं उसको कैसे प्रूफ करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी मिस्टर बी का नाम नहीं है। इस एंट्री को मैं बोलूंगा ये मेरी पेमेंट की एंट्री है, कौन सी एंट्री है, क्योंकि मैंने पैसा दे दिया, राइट है। ये हम फॉलो करते देखो जब हम कॉलेज में थे, यानी मुझे मिस्टर बी का हिसाब किताब नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब मैं फॉलो करूंगा कौन सा, मर्केंटाइल बेसिस, तो मर्केंटाइल बेसिस कहता है कि पहले एंट्री को बुकिंग करो, यानी कौन सी एंट्री करो, बुकिंग करो, उसके बाद उसका पेमेंट करो। अब सेम एंट्री में वापस से कर रहा हूँ, बुकिंग एंट्री का मतलब क्या, मैंने गुड्स खरीदा किससे, बी से, हम मिस्टर ए, तो मेरे पास क्या आया, गुड्स आया, यानी परचेस अकाउंट डेबिट, राइट है। टू मैंने किससे खरीदा, मिस्टर बी से, पता, राइट है। और मिस्टर बी को अब मैं पेमेंट करूंगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 5,000 राइट है। इसका मतलब हुआ क्या, अब ये एंट्री मिस्टर बी क्रेडिट में, मिस्टर बी डेबिट में, कैंसिल ही हो गया। रियलिटी में हुआ क्या, परचेस आया और कैश गया, लेकिन मिस्टर बी का हिसाब किताब आ गया, राइट है ना। कल को मिस्टर बी मेरे सामने आके बोले कि आपने मुझसे गुड्स खरीदा था लेकिन पैसे नहीं दिए, तो मैं उसको क्या दिखा सकता हूँ, देखो ये डेट पे मैंने ये एंट्री की थी और जब मैंने पैसा दिया तब ये एंट्री है, यानी मिस्टर बी का हिसाब किताब मेरे पास क्लियर आएगा। ईयर के एंड में भी मुझे पता करना होगा कि मिस्टर बी से मैंने कितने का गुड्स खरीदा, तो मैं हिसाब किताब निकाल सकता हूँ, राइट है। ये केस में नहीं निकाल सकता, राइट है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर बी का कोई नाम नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जब कभी भी हम आते हैं तो हम कौन सा यूज करते हैं, मर्केंटाइल बेसिस, और ये हो जाएगा आपका थियोरेटिकल, ठीक है ना। थियोरेटिकल बेसिस पर हम ये फॉलो करते हैं, राइट है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हम मर्केंटाइल ही करें, हो सकता है कि मैंने किसी से गुड्स खरीदा है और उसका मुझे हिसाब किताब नहीं रखना, एक ही बार खरीदूंगा, राइट है ना, इमरजेंसी में खरीद लिया, अब उस बंदे का हिसाब नहीं रखना है तो मैं ये फॉलो करूंगा, राइट है। जिससे मैं रेगुलर गुड्स खरीदता हूँ, हमेशा गुड्स खरीदता हूँ, तो उसके लिए मैं बुकिंग, फिर पेमेंट या रिसिप्ट, व्हाटएवर कुछ बोल सकता हूँ, क्लियर है पक्का। तो कहने का मतलब ये है कि कैश बेसिस पे हम जो एंट्री करते हैं वो डायरेक्ट कौन सी एंट्री होगी, या तो पैसा देने की, या तो पैसा लेने की, या तो आपकी जर्नल एंट्री, ठीक है ना, डायरेक्ट। लेकिन ये वाले केस में हम पहले क्या करेंगे, पहले एंट्री को बुक करेंगे, यानी बुकिंग एंट्री करेंगे, उसके बाद उस एंट्री की पेमेंट करेंगे, या तो रिसिप्ट होगा
या तो जनरल वाउचर मतलब जनरल एंट्री होगी। क्लियर है? पक्का? नहीं डाउट? ये लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि हम जो एंट्री कर रहे हैं या तो वो कैश बेसिस पे होगा या तो वो मगन टाइप का होगा। मगन टाइप का फॉलो करना है जब मुझे उस सामने वाले बंदे का भी हिसाब किताब रखना है। कैश बेसिस कब करना है? जब मुझे हिसाब किताब नहीं रखना है, एक ही एंट्री में खत्म। ठीक है ना? मगन टाइप में हम एक ही चीज की दो बार एंट्री करेंगे, राइट है ना? बुकिंग और पेमेंट और रिसीव। लेकिन अब एंट्री करने के पहले हमें यह समझना है कि अकाउंटिंग के रूल्स क्या है, राइट है ना? और अकाउंटिंग के रूल्स कौन से हैं? ऑब्वियसली पता है सबको, गोल्डन रूल्स। ये रूल्स तो सबको पता है और हम एंट्री भी कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम कौन सा रूल लगा रहे हैं वो हमको नहीं पता है। रियल का डेबिट लग रहा है, नॉमिनल का डेबिट लग रहा है, किसका डेबिट है वो नहीं पता होता। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है। हमें एंट्री समझने के लिए सीधा हम 11, 12 में प्रोफेसर हमें क्या बोलते हैं कि जो आ रहा है वो डेबिट करो, जो जा रहा है वो क्रेडिट करो। क्लियर है? ये तो समझने के लिए ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है कि जो आ रहा है डेबिट करो, जा रहा है क्रेडिट करो, लेकिन उसके पीछे कौन सा रूल लग रहा है वो हमें नहीं समझ में आता। पहले उसको क्लियर करते हैं। गोल्डन रूल्स में पहला रूल आता है किसका? रियल अकाउंटिंग। और रियल अकाउंटिंग का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है? ये तो सबको पता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये रूल लगेगा कब? ठीक है ना? क्लियर रखना दिमाग में। अगर जो चीज मुझे दिखती है जिसको मैं टच कर सकता हूं, ठीक है ना, उस चीज पे रियल का रूल लगा। जिस चीज को मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, फील कर सकता हूं, उस चीज के लिए किसका रूल लगा दो? फॉर एग्जाम्पल, मैं इन दुकान पे गया और मैंने एक फर्नीचर खरीदा, ठीक है ना, मेरे पास क्या आया? एंट्री सिंपल हो गई, मैंने फर्नीचर खरीद लिया, एंट्री क्या हो गई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? क्या फर्नीचर मुझे दिखता है? यस। पक्का? इसका मतलब यहाँ पे मैंने रियल का डेबिट का रूल फॉलो किया। अच्छा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश दिखता है? नोट नोट दिखता है ना, हरा हरा नोट, अभी तो पिंक हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रियल का क्रेडिट। यानी यहाँ पर मैंने रूल्स कौन से लगा दिए? दोनों ही रियल का, क्योंकि दोनों ही दिखते हैं, ठीक है ना? अब मान लो कि मैंने एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस एसी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पेमेंट कर दिया, ठीक है ना? तो एसी रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होगी? पक्का? अब बताओ एसी रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या मुझे दिख रहा है? आ तो रहा है मेरे पास कुछ, लेकिन वो उसको मैं सिर्फ फील कर सकता हूँ कि मेरी एसी ठीक हो गई है, लेकिन मैंने फिजिकली किसी चीज को ना देखा ना पकड़ा, तो उसके लिए मैं रियल का रूल नहीं लगा सकता, ठीक है ना? हाँ, कैश के लिए लगा सकता हूँ। यानी यहाँ पे रूल कौन सा लगा है? रियल का क्रेडिट तो लगा, ये तो कंफर्म है। क्यों? क्योंकि कैश है। अब प्रॉब्लम इसका है क्योंकि ना मैं इसको देख सकता हूँ ना मैं इसको छू सकता हूँ, तो उसकी जगह पर हम किसका रूल लगाएंगे? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम ऑल एंड गेन, क्रेडिट ऑल
इनकम एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स। अब देखते हैं जरा, अब एक बात बताओ, एसी को तो मैं छू नहीं सकता, एसी रिपेयर को मैं छू नहीं सकता, ना देख सकता हूँ, तो इसका रोल तो नहीं लगा। अब ये एसी रिपेयर का जो खर्चा है, ये मेरे लिए खर्चा है कि इनकम है? ऑब्वियस है खर्चा है, एक्सपेंसेस। यहाँ पर मैंने किसका रूल लगाया? नॉमिनल का डेबिट। अच्छा, एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा, अगर नॉमिनल का डेबिट है तो जरूरी नहीं है कि नॉमिनल का ही क्रेडिट आए। इसका डेबिट होगा तो इसका क्रेडिट हो सकता है, इसका क्रेडिट होगा तो इसका डेबिट हो सकता है, हो सकता है ये दोनों का ही डेबिट क्रेडिट हो, या कुछ भी हो सकता है, सब मिक्स होके आएगा। क्लियर है? मतलब अभी तक ये हिसाब किताब समझना है, जिस चीज को मैं देख सकता हूँ उसके लिए मैं कौन सा रूल लगाता हूँ, यानी कि गुड्स को मैं देख सकता हूँ, कैश को मैं देख सकता हूँ, बराबर है। लेकिन ऐसी चीज जिसको मैं नहीं देख सकता उसको मैं बोलूँ सर्विसेस। अगर मैंने कोई भी सर्विसेस ली है तो उसके लिए किसका रूल लगाएंगे? राइट है। और जो चीज को मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, उसके लिए किसका रूल? डीएल का। पक्का? अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक फर्नीचर खरीदा मिस्टर ए से, तो एंट्री क्या बनी? फर्नीचर टू मिस्टर ए। पक्का? उधार पे ले लिया मैंने 5,000 का 5,000 का, राइट है। अब हुआ क्या, फर्नीचर को तो मैं देख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास फर्नीचर आया, तो यहाँ पर रूल किसका लग गया? रियल का डेबिट। पक्का? लेकिन मैंने ये जो फर्नीचर खरीदा, ये मिस्टर ए की बात करते हैं, मिस्टर ए जो है क्या वो रियल में है? नहीं है, लेकिन है इंसान, कोई वस्तु नहीं है जिसको हम टच करें, फील करें, ठीक है ना। दूसरा, नॉमिनल तो है नहीं मेरे लिए, इसके लिए तीसरा रूल किसका आता है? पर्सनल। कहने का मतलब ये है, ये रूल कब लगेगा? जब यही गुड्स और यही सर्विस मैंने उधार पे लिए। सिंपल। जब मैंने गुड्स खरीदा जिस चीज को मैं देख सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, और कैश में दे रहा हूँ, तो रियल का लगा दो। okay. एक रियल और दूसरा भी रियल का हो गया। जिस चीज को मैं देख नहीं सकता, फील कर सकता हूँ, उसके लिए नॉर्मल का रूल लग गया। लेकिन अगर ये गुड्स और ये सर्विस मैंने किस पे ले ली? उधार पे, तो सामने वाले का नाम है क्रेडिट, राइट है ना। यानी किसका रूल लगेगा? पर्सनल। तो पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर। पक्का? तो ये कब फॉलो करना है? जब यही गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पे हो, क्रेडिट पे हो, राइट है ना। पक्का? अच्छा, इसके बाद आपको एंट्री पूछूंगा, आप बताओगे मुझे कि कौन सा रूल लग रहा है। जब मुझे रूल से मतलब है, एंट्री आपको आती है, मुझे कोई डाउट नहीं है, प्रॉब्लम कहां आएगी? रूल कौन सा लग रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, मिस्टर ए, हम यहाँ पे मिस्टर ए है, ठीक है ना, परचेज कंप्यूटर फॉर ₹10,000, ठीक है ना, इन पेड इन कैश, पेड इन कैश। अच्छा, मैं यहां पर फिलहाल आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हम कौन सा रूल लगा रहे हैं, अभी मैं मर्केंटाइल और कैश की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नॉर्मल एंट्री की बात कर रहा हूं। बाद में जब एंट्री करेंगे तो उसमें मर्केंटाइल और कैश को फॉलो करेंगे। फिलहाल मेरा कॉन्सेप्ट ये है, हम रूल कौन सा लगा रहे हैं ये बताना है, ठीक है ना। मिस्टर ए ने क्या परचेस किया? कंप्यूटर। यानी उसके पास क्या आया? कंप्यूटर। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो गया, सिंपल। yes. और मैंने क्या कर दिया? कैश। एक काम करते हैं, हम नाम लेके चलते हैं, हमने गुड्स परचेस किया मिस्टर ए से, सॉरी हम मिस्टर ए हैं, हमने गुड्स परचेस किया है, एग्जांपल ले लेते हैं मिस्टर बी से, हमने गुड्स किससे परचेस किया? मिस्टर बी से। अब मर्केंटाइल बेसिस फॉलो करते हैं, तो उसमें रूल क्या था? मेरे पास क्या आया? कंप्यूटर टू मिस्टर बी। ये कौन सी एंट्री हो गई? बुकिंग वाली। पक्का ना? ये मैंने बुकिंग एंट्री कर दी। अब इसका मैं पेमेंट करूंगा, तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी इसकी? मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश कितना? 10,000। पक्का ना? एंट्री तो सिंपल हो गई, ये मैंने मर्केंटाइल फॉलो किया। अगर मैं कैश फॉलो करता तो एंट्री क्या होती? कंप्यूटर टू कैश। पक्का? अब जरा रूल देखते हैं। रूल क्या कहता है? कंप्यूटर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी मेरे पास क्या आया? तो मैंने रियल का डेबिट फॉलो किया। पक्का? मिस्टर बी जो है ये एक नाम है और ये पर्सन है, यानी कि मैंने इसका मतलब ये गुड्स फिलहाल उधार पे लिया है, गुड्स ऑन क्रेडिट हो गया क्योंकि पैसा तो मैंने बाद में दिया है, करंट में क्या है वो? गुड्स ऑन क्रेडिट। यानी कि यहाँ पर मैंने कौन सा रूल लगाया? पर्सन का। क्वेश्चन में तो कैश लिखा है ना, पेड इन कैश किया, लेकिन मैं फॉलो क्या कर रहा हूँ? कैश में दू चाहे मैं क्रेडिट पे दू, ठीक है ना, मुझे फॉलो क्या करना है? मर्केंटाइल, क्योंकि मिस्टर बी का हिसाब किताब रखना है, इसलिए मैं ऐसा एंट्री कर रहा हूँ। अगर मिस्टर बी का हिसाब किताब नहीं रखना होता तो
तो फिर मिस्टर भी आता ही नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पर ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, उस पर्टिकुलर पीरियड तक के लिए मेरे लिए क्या है, पर्सनल का क्रेडिट। अब मैं इसको पेमेंट ले रहा हूँ तो ये पर्सनल का डेबिट का रोल यानी कैंसिल हो गया और मेरे पास से क्या गया, कैश दिखता है, यानी रियल का क्रेडिट। पक्का? यानी कि मैंने एंट्री तो कर दी, इसको रूल कौन सा लगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये लिखिए, इसके बाद कुछ एंट्रीज लेंगे जिसपे हमें ये रूल्स लगाने हैं कि कौन सा रूल किसके लिए है। लिख लिया, मैंने नोट्स दिए आप लोगों से, पेज नंबर 14 ओपन कीजिएगा। जो नोट्स दिया पेज नंबर 14, पेज नंबर 14। उसमें कुछ एंट्रीज दी हुई है पेज नंबर 14 पे, यस ओके। और हाँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पेज नंबर 14 14 पे नहीं है सर, 14 अकाउंटिंग केसेस नंबर स्टार्ट करें, ओके। मैं एंट्री लिख रहा हूँ, ठीक है ना, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहली एंट्री क्या लिखी हुई है, एयरबैग्स परचेज फ्रॉम आशा प्राइवेट लिमिटेड, आशा प्राइवेट लिमिटेड ऑफ रुपीज 4,60,000 अगेंस्ट बिल नंबर दिया है, इनवॉइस नंबर, ओके इनवॉइस नंबर AS70, ओके। और ओनली परचेज ओके, वो छोड़ दीजिए, ठीक। आज हमारा पर्पस ये नहीं है कि हमें कौन सी एंट्री करनी है, ये एंट्री को हम बुकिंग एंट्री करेंगे, नहीं मकर टाइम मेसेज को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। चलो अब एंट्री होगी क्या, हमने क्या किया है, क्या परचेस किया है, एयरबैग्स किससे, आशा प्राइवेट लिमिटेड से, सही बात है। तो पहले हम इसकी बुकिंग एंट्री की बात करेंगे, यानी उसकी बुकिंग एंट्री होगी क्या, बुकिंग एंट्री इसकी होगी, मैंने क्या परचेस किया, एयरबैग्स, तो एयरबैग्स परचेस अकाउंट डेबिट, राइट है। टू किससे परचेस किया, आशा प्राइवेट लिमिटेड, राइट है ना। कितने का परचेस किया है, 4,60,000 4,60,000 राइट है ना। अच्छा यहाँ पर कहीं पेमेंट की बात की है क्या, नहीं पैसे देने की बात नहीं हुई, यानी कि हम सिर्फ बुकिंग एंट्री करके छोड़ देंगे, जो पेमेंट की एंट्री नहीं बोली है, जब बोलेगा पेमेंट तब करेंगे। अच्छा एयरबैग्स दिखता है, यस हम परचेस कर रहे हैं, रूल किसका, रियल का डेबिट। अच्छा आशा प्राइवेट लिमिट मेरे लिए क्या है, नाम है, यानी पर्सन हो गया, यानी यहाँ पर पर्सनल का क्रेडिट करो, राइट है, पक्का कोई डाउट, ठीक है। सेम वे एंट्री नंबर टू, सेकंड एंट्री क्या है, टी बैग परचेस किया हमने, टी बैग परचेस ऑफ रुपीज 2,45,000, ठीक है ना, फ्रॉम महेश प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट बिल नंबर दिया हुआ है, और कुछ बोला है, बिल नंबर 40% पेमेंट, 40% पेमेंट क्लियर, इमीडिएटली पेड किया है, ठीक है इमीडिएटली, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, अब इसकी एंट्री करते हैं। देखो यहाँ पर परचेस भी करना है और पेमेंट भी करना है, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, बुकिंग एंट्री करते हैं। अब बुकिंग एंट्री क्या होगी, हमने परचेस किया है तो हमारे पास क्या आया, टी बैग्स परचेस अकाउंट डेबिट, राइट है, टू महेश किसने परचेस किया, महेश प्राइवेट लिमिटेड से, तो टू महेश प्राइवेट लिमिटेड, राइट है। कितने का, 2,45,000 2,45,000, राइट है। अब क्या करेंगे, पेमेंट राइट है, किसको पेमेंट करना है, महेश, तो महेश प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश 40% है, तो 2,45,000 का 40% मतलब 98,000 राइट है। अच्छा अब रूल्स देखते हैं, कौन सा रूल लगेगा, रोहन क्लियर है, टी बैग हमको दिखता है, हमने खरीदा है, यानी कि रियल का डेबिट, पक्का
महेश नाम है पर्सनल का क्रेडिट, वापस से महेश पर्सनल का डेबिट और कैश दिखता है नॉमिनल का रियल का क्रेडिट पक्का इन डाउट तो यानी कि प्रैक्टिकल में इस तरह से एंट्री करेंगे यही थियोरेटिकल होता है यानी कि कॉलेज इसमें होते तो हम क्या करते परचेस अकाउंट टू कैश महेश का नाम नहीं लिखते क्यों नहीं लिखते कैश बेसिस फॉलो कर रहे पक्का राइट है ऐसे करेंगे हम लोग आगे एंट्री फटाफट करके चलिए ठीक है ना एंट्री नंबर थ्री कर ले यस सो एंट्री नंबर थ्री क्या है एयरबैग्स सोल्ड टू आभा लिमिटेड यानी कि हमने क्या बेचा है एयरबैग्स बेचा है आभा लिमिटेड को राइट है अच्छा पैसे लिए क्या यस अगेंस्ट द बिल नंबर JH115 एंड अगेंस्ट द बिल नंबर ABL01 ओके अगेंस्ट द बिल नंबर ABL01 यानी कि यहाँ पर सिर्फ सोल्ड करने की बात की है यानी कि हमने क्या किया एयरबैग बेचा है सिर्फ बेचा है ना तो इसका मतलब मेरे पास से क्या चला गया एयरबैग सोल्ड चला गया किसको बेचा आभा तो हम बुकिंग एंट्री करेंगे पहले तो एंट्री हो जाएगी आभा प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट एयरबैग टू एयरबैग सेल्स लिखेंगे अभी ऐसा इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि ये एंट्री हमें आगे जाके टैली में करनी है ये आगे जाके हम एंट्री किसमें करेंगे टैली में करेंगे जब हम इसको सिस्टम में रखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि मैंने एक बार एयरबैग खरीदा था और एक बार एयरबैग को बेच रहा हूँ इसके लिए एयरबैग सेल्स अकाउंट बराबर है अच्छा कितने का हमने खरीदा कितने का बेचा 5,70,000 राइट है अच्छा अब रूल देखते हैं सबसे पहले आभा प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे कौन है रिसीवर है और नाम है तो इसका मतलब पर्सनल का क्रेडिट का रूल सॉरी पर्सनल का डेबिट का रूल तो सॉरी और एयरबैग दिखता है ना रियल में तो रियल का क्रेडिट सीआर राइट है अच्छा एंट्री नंबर अभी बुकिंग करके छोड़ देंगे क्योंकि पेमेंट की बात नहीं एंट्री नंबर फोर क्या है टी बैग सोल्ड टू अभिनव लिमिटेड हमने टी बैग बेचा अभिनव को तो पहले बुकिंग एंट्री मार देते हैं अच्छा हमने टी बैग बेचा अभिनव को अभिनव अभिनव लिमिटेड अभिनव प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू लैक्स टू टी बैग सेल्स अकाउंट 2,75,000 पूरा पेमेंट 2,75,000 अच्छा हमने जब बेचा है तो पैसा आएगा कि जाएगा आएगा रिसीव्ड होगा एंट्री कौन सी होगी रिसीव्ड की तो रिसीव की एंट्री मतलब हमारे पास क्या आ रहा है कैश अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट पैसा कौन दे रहा है अभिनव अभिनव देगा तो अभिनव प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट पूरा पैसा आ गया तो 2,75,000 क्लियर है